जब हम लोग घर बनाते हैं इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट द ब्रांड एंड अबाउट प्रोडक्ट्स वी आर यूजिंग. सो आज हम लोग आए हुए हैं रॉयल टच के शोरूम पे. रॉयल टच इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड राइट नाउ हु इज़ प्रोड्यूसिंग लग्जरी लैमिनेट्स. एंड मैं रॉयल टच को जानती हूँ फ्रॉम लास्ट 8 ईयर्स. द डे आई स्टार्टेड वर्किंग इन दिस फील्ड सिंस देन आई एम टॉकिंग अबाउट कोलकाता प्रोजेक्ट्स वी आर डूइंग, तब से मैं रॉयल टच यूज़ कर रही हूँ. एंड दिस इज़ माई जेन्युइन एक्सपीरियंस विद द ब्रांड इज़ द कंसिस्टेंसी दे हैव मेंटेन सो फार एंड द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट दैट वी गेट फॉर द प्राइस. मुझे लगता है कि लैमिनेट आपकी पूरे घर की जो लुक को या तो फिर मेक कर सकती है या तो फिर ब्रेक कर सकती है. आपने देखा होगा मेरे प्रोजेक्ट में मैं या तो फिर बहुत सटल लैमिनेट्स के साथ जाती हूँ या तो फिर बहुत ही, अगर हम लोग विनियर भी चूज़ करते हैं तो भी बहुत सटल विनियर के साथ. और मुझे नेचुरल फिनिश के लैमिनेट्स एंड विनियर बहुत पसंद है. रॉयल टच एक 40 साल पुरानी ब्रांड है जो स्पेशलाइज़ करते हैं इसी तरीके की लैमिनेट्स बनाने में. तो आज मैं इनके बड़ौदा के शोरूम पे आई हुई हूँ. आई एम अबाउट टू सिलेक्ट लैमिनेट फॉर माई ओन होम. एंड चलिए पहले देखते हैं क्या क्या है कैटलॉग में एंड उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि क्यों आप इस ब्रांड के साथ जाएंगे. ऐसा ज़रूरी नहीं है सिर्फ इसी ब्रांड के साथ जाए, आप किसी भी ब्रांड के साथ जा सकते हैं. बट वाई आई प्रेफर आई विल एक्सप्लेन यू इन दिस वीडियो. सो मेरे साथ है आज तेजस. तेजस मुझे हेल्प आउट करेंगे राइट लैमिनेट ढूंढने में. तो तेजस, मुझे एक बहुत ही नेचुरल टोन की लैमिनेट चाहिए. आई नो कि रॉयल टच एक ही ब्रांड है जो 1.25 mm की लैमिनेट बनाती है, तो उसमें मैं बाद में जाऊंगी, उसकी भी रिक्वायरमेंट है. लेकिन फ़िलहाल मुझे नेचुरल वुडन टोन की कोई लैमिनेट की रिक्वायरमेंट है. ओके, 1.5 mm है. काफ़ी अच्छे टेक्सचर है इसमें. हाँ, जो आई लाइक अबाउट दिस रॉयल टच एक्चुअली गाइस, कि जब भी हम कोई भी लैमिनेट लेते हैं उसकी जो फिनिशिंग होती है, वेलवेट फिनिश हो, कोई भी फिनिश हो, लेकिन उसमें अगर आप टच करें तो नेचुरल फिनिश नहीं मिलता है. विद रॉयल टच व्हाट आई लाइक अबाउट स्पेशली यू सी द नंबर MW256. सो इसमें आप अगर टच करेंगे आपको लगेगा कि यू आर टचिंग अ वुड. एंड इसके दो कलर्स हैं, ये मैंने पहले भी यूज़ किया था एक्चुअली. सो दिस लाइट वुड आपने देखा भी है एक्चुअली वीडियो में. सो दिस लाइट वुड एंड डार्क वुड, मैं ये दोनों लैमिनेट्स काफ़ी यूज़ करती हूँ. सो इन दोनों को शॉर्टलिस्ट करके रखते हैं, TO501, TO502. सी, अगर आप विनियर के साथ भी जाना चाहते हैं, मेन प्रॉब्लम मुझे लगता है अगर आपका बजट ओरिएंटेड प्रोजेक्ट्स है, इट्स नॉट टू एक्सपेंसिव. आप विनियर इतना स्पेंड नहीं करना चाहते विनियर के ऊपर. आई थिंक अ लैमिनेट लाइक दिस कैन वर्क रियली वेल, क्योंकि इसमें आपको विनियर की फिनिश भी मिलेगी, उसकी टेक्सचर भी मिल रही है. एंड उसके साथ आपको जो मिल रहा है वो है बिकॉज इट्स फ्रॉम अ वेरी गुड ब्रांड, तो आपको क्वालिटी भी मिल जाएगी. बट आपको विनियर जैसा स्पेंड भी नहीं करना पड़ रहा है. एंड आई एम श्योर कि कभी कभी अगर कोई आप दूर से भी देखे ना, पीपल कांट टेल कि ये डिफरेंस क्या है, कि ये लैमिनेट है विनियर है. अगर हम डिज़ाइनर्स हैं तो हम जाके बता सकते हैं, बट आई एम श्योर कि रेगुलर जो लोग होते हैं वो डिफरेंस भी नहीं बता सकेंगे. बट दिस इज़ नाइस विथ लाइट वुड. अगर लाइट वुड फिनिश के साथ जाना चाहेंगे तो इसमें भी इसी जो नेचुरल ग्रेन्स है वो भी बहुत क्लियरली दिख रहा है. बट इफ यू टच इट यू विल अंडरस्टैंड कि इसमें भी बहुत हल्का सा वेव है एंड इट लुक्स रियली रियली ब्यूटीफुल. सो आजकल आप लोग देख रहे होंगे कि नेचुरल फैब्रिक टेक्सचर्स लैमिनेट भी बहुत चलते होंगे. आपको याद है लीना के प्रोजेक्ट में भी मैंने फैब्रिक लैमिनेट यूज़ किया था. सो दिस इज़ वन काइंड ऑफ फैब्रिक लैमिनेट. ये एक्चुअली फैब्रिक नहीं है, दिस इज़ जस्ट एन लैमिनेट. बट इसके जो टेक्सचर होते हैं, ग्रेन होते हैं, वो फैब्रिक की तरह बनाई जाती है. एंड आई जेन्युइनली लाइक द टेक्सचर. ये कलर बहुत सटल है. रिमेंबर द नंबर JD408. सो मुझे जो भी पसंद आ रहा है ना, मैं नीचे मेंशन कर दूंगी और आपको स्क्रीन में भी नंबर दिख रहा होगा. तो आप जाके आपके नियर शोरूम में पूछिए कि ये लैमिनेट है, फिज़िकली एक्सपीरियंस कीजिए एंड उसके बाद आप परचेस कर सकते हैं. इवन इन दोनों के कम्बिनेशंस आप करना चाहते हैं, JD408 एंड JD409 विल लुक रियली नाइस. इवन ये भी फॉर वार्डरोब्स ये बहुत अच्छा लगेगा. फुल लेंथ एंड लाइंस भी प्रॉपर आ रहे हैं. आई रियली लाइक SN403. अगर आपके पास पॉसिबल है तो आप नियरेस्ट जो आपके एक्सपीरियंस सेंटर है उसमें जाइए और लैमिनेट्स को टच एंड फील करके एक्सपीरियंस कीजिए.
लेकिन दिस इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। अगर कोई एक मैं टिप्स देना चाहूँगी यहाँ पे, कोई भी वाइट लेमिनेट चूज़ कर रहा है ना, सो हमेशा वो प्योर वाइट में जाना चाहते हैं, लेकिन उसमें इनसाइड के जो लेमिनेट हम लोग लाइनर्स लगाते हैं वो भी प्योर वाइट में होता है, तो कोई डिफरेंस नहीं बोल सकता। इसलिए द वेन एवर यू आर सिलेक्टिंग अ वाइट लेमिनेट, गो फॉर विद सम टेक्स्चर। सो CC460 हैज सम टेक्स्चर, ये बहुत ही प्यारा सा एक वाइट है, थोड़ी सी ऑफ वाइट टोन है, बट आई रियली लाइक इट। सो अभी हम लोग जो सेक्शन को देखेंगे वो 1.25 mm लेमिनेट्स है। नाउ इसमें एडवांटेज हमें ये मिलता है कि फर्नीचर की जो लॉन्गजिबिटी है, लाइफ जो बोला जाता है, वो ज़्यादा बढ़ जाता है। इसमें बबल आने के चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं एंड फिनिशिज भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बेटर होता है। एक्चुअली रॉयल टच इज़ द ओनली ब्रांड जो 1.25 के लेमिनेट बनाते हैं। आपको कैसे पता चलेगा? अगर आप थिकनेस देख के नहीं बता सकते हैं तो जो 4-digit नंबर्स होते हैं वो नंबर्स इनके 1.25 mm के लेमिनेट्स होते हैं, और 2-digit और 3-digit जो होता है वो 1 mm के होते हैं। अगर आप कोई भी बोहो थीम एंड यू नो वाइट बेस थीम पे जा रहा है, उसके साथ आपको लव वाइट यू नो बेज कलर की लेमिनेट चाहिए एंड नेचुरल फिनिश के चाहिए, दिस इज़ अ लेमिनेट फॉर यू, LG 1661। सेम विद दिस, अगर आपको विनियर पसंद है एंड यू डोंट वांट टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी, क्योंकि विनियर इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव उसके पॉलिशिंग कॉस्ट, तो आप जा सकते हैं HTR 1618 एंड TR 1618। इवन दिस इज ऑल्सो अ वेरी नाइस लैमिनेट, नंबर WB 1592। ये भी अगर आप थोड़े से लाइट टोन के साथ जाना चाहते हैं, वाइट एंड बेज कम्बिनेशन एंड उसके साथ नेचुरल लैमिनेट चाहते हैं, सो दिस कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन। दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। अगेन अगर आप WPC पैनल की डिज़ाइन या फिर वैसे डिज़ाइन, आपको ग्रूविंग के डिज़ाइन अच्छे लगते हैं, सो दिस कैन बी द लैमिनेट फॉर यू, दैट इज़ TL 1112 एंड इसके साथ इसके ब्राउन की कॉम्बिनेशन है, दैट इज़ TL 1433। सो आपको ग्लॉसी लेमिनेट चाहिए फॉर योर किचन एंड आपको प्योर फिनिश में जाना है बट यू डोंट हैव द बजट, तो आप क्या करें? सो यू कैन गो विथ 1.25 mm के PU पैलेट के साथ इनकी जो है। सो इसमें काफ़ी फिनिशेस है, जो ग्लॉसी एक फिनिश आपको चाहिए किचन के लिए स्पेशली, और या तो फिर वार्डरोब्स में भी बहुत लोगों को ग्लॉसी लैमिनेट्स पसंद होता है, तो उनके लिए ये सीरीज जो है जो हम लोग देखेंगे वो परफेक्ट होगा। इवन आई जेन्युइनली लाइक दिस सीरीज ऑल्सो, CV 1621, क्योंकि इसमें बहुत सटलनेस है। यू हैव सीन माई प्रोजेक्ट, आप बोलते हैं अनन्या आपके लैमिनेट्स इतने सटल कैसे होते हैं, बिकॉज वी सिलेक्ट, एक्चुअली सारे ब्रांड्स में सटल लैमिनेट्स होते हैं बट हम चूज ही नहीं करते हैं वो, लेकिन इफ़ यू सी दिस टू लैमिनेट्स गाइस, दिस इज़ वेरी वेरी प्रिटी। इसको अच्छे तरीके से कंबाइन कीजिए ना एंड योर होम विल लुक रियली नाइस। अगर आप टच करें तो फैब्रिक जैसे एक फील आती है एंड दिस इज़ ऑल्सो 1.25 mm। कोई भी अगर हम लोग लैमिनेट लगा रहे हैं तो स्क्रैच अगर हो जाता है तो वो उसको हम लोग रिकवर नहीं कर सकते हैं। सो ये स्क्रैच रेजिस्टेंट है और एज बाइंडिंग भी हमारे ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो एज बेंडिंग क्या होता है कि कॉर्नर्स जो होते हैं उसको भी हम लोग बेंड कर सकते हैं, स्पेशली विद द क्रिस्टल कलेक्शन जो एज बेंडिंग है वो भी अवेलेबल है। तो 850 में वो ज़्यादा से ज़्यादा स्क्रैच रेजिस्टेंट रहता है। ओके ओके, और बाकी सारे कितने बनाते हैं? 650 के आसपास रहता है। ओके, गॉट द पॉइंट। सो बेज एंड वाइट टोन अगेन काफ़ी ट्रेंड में है, आप काफ़ी मेरे प्रोजेक्ट्स में भी आप देखते होंगे, आइदर आई गो विथ वुडन और आई गो विथ एनी पॉपअप कलर, नहीं तो दिस काइंड ऑफ कलर गाइज, दिस इज़ वेरी प्रिटी। नोट डाउन द नंबर CRY 1156, दिस टू कलर्स, इवन लाइक द ग्रीन ऑल्सो पेस्टल ग्रीन। सबसे ज़्यादा ये रिक्वेस्ट जो हमारे कंसल्टेंसी टीम को मिलती है वो है ग्रे किचन के लिए, सो दिस टू कलर्स आर फॉर ब्लैक एंड ग्रे किचन, विच विल बी CRY 1177 एंड CRY 1176, नंबर्स डिस्प्ले पे दे देंगे। एंड ब्लू किचन की भी काफ़ी रिक्वायरमेंट आती है, दिस इज़ CRY 1184। वार्डरोब पे बहुत क्लासी आपकी इंटीरियर हो रही है, बहुत सोबर ऑफ वाइट टोन है, तो उसके साथ आप इन दोनों कॉम्बिनेशंस के साथ जा सकते हैं। नाउ आई हैव पर्सनली यूज दिस मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में एंड आई वुड से कि इसके साथ अगर आप अच्छे तरीके से कलर मैच करें तो बहुत ही प्रीमियम एक इंटीरियर की लुक आपको मिल सकती है। प्लीज़ नोट डाउन द नंबर CRY 1234 एंड दिस विल बी CRY 1235। सो अगेन, और एक चीज़ मुझे लोग पूछते हैं कि फायर रेजिस्टेंस होता है या नहीं किचन में यूज़ कर रहे हैं लैमिनेट्स, सो दिस लैमिनेट्स आर ऑल्सो लाइक
सारे जो लैमिनेट्स हैं रॉयल टच के, वो सारे फायर रेजिस्टेंस होते हैं, यूवी रेजिस्टेंट होते हैं एंड स्क्रैच रेजिस्टेंट होते हैं। सो कहीं पे भी आप आराम से यूज़ कर सकते हैं, आपको कोई इश्यूज नहीं होंगे। ये नोमास कलेक्शन है, इसमें दाग धब्बे, अपने किचन में रहते हैं तो ज्यादा मैक्सिमम प्रॉब्लम रहता है दाग धब्बे का, राइट? तो इसमें नो मार्क्स में इजी क्लीन रहता है, आप आसानी से क्लीन कर सकते हैं, इसमें दाग धब्बे नहीं दिखते और हाई स्क्रैच नहीं होता है। ओके, सो ज्यादातर जहाँ पे बहुत किचन है, जहाँ पे डेस्क है, जहाँ पे ज्यादा यूज हो रहा है, तो उस जगह के लिए हम लोग ये सजेस्ट कर सकते हैं नो मार्क्स कलेक्शन। सो इसमें भी काफी डिफरेंट कलर्स है, वी कैन सी ग्रे, बेज, and we have red that is bright and white, pure white, and we have in grey also, dark grey, again thoda sa off white, I like this dark beige, another shade of white. So OR mein kya hota hai, basic OR, collection OR hota hai, OR mein maximum aapko leather ki feeling aayegi, leather type dikhega, okay, aapko leather feeling, finishing jo hai wo leather finish, okay. So OR jo series hai unka, wo ज़्यादातर जो है लेदर फिनिश की होती है, और आई थिंक टेक्सचर भी लेदर फिनिश की टेक्सचर ही थी। सी मुझे लगता है कि कैमरा में ये एक्चुअली इतने अच्छे से नहीं आता है कि, लेकिन एक्चुअली लैमिनेट्स में जो टेक्सचर होता है, जो फील होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और एक अच्छी लैमिनेट तब भी हम बता सकते हैं जो ऑब्वियसली जो स्क्रैच रेजिस्टेंट, फायर रेजिस्टेंट होता है, बट उसके साथ साथ जो फिनिश आप टेक्सचर फील कर सकते हो, यू कैन सी द ग्रेन, यू कैन सी द कलर्स, जो लाइटिंग इफेक्ट इसके ऊपर आता है, दैट इज़ एक्चुअली मेक्स अ गुड, वेरी गुड लैमिनेट, एंड आई रियली लाइक दिस एंटायर कलेक्शन GS सीरीज, दिस इज CV1571। अगर आपको कुछ अलग करना है एंड यू आर रेडी टू एक्सपेरिमेंट, दिस इज़ गोइंग टू बी द लैमिनेट फॉर यू। एंड इसके काफ़ी कलर्स भी है ना, दो तीन कलर्स हैं, वी आर गेटिंग इन दिस कलर एंड दिस, वेरी प्रिटी। हाँ, ये भी अच्छा है, कुछ अगर कोई यूनिक कोई पैनल क्रिएट करना चाहता है, एंड दिस इज़ लेदर फिनिश, ओ नाइस, दिस एक्चुअली फील्स लाइक रियल लेदर, इज वेरी प्रिटी, वेरी प्रिटी। कुछ प्रीमियम लुक देने के लिए ये दोनों लैमिनेट्स बहुत बहुत प्यारे हैं, बहुत। BL1643। सो ये भी एक लेदर फिनिश की लैमिनेट है, बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि अनन्या लेदर फिनिश के लैमिनेट्स किस ब्रांड से ले, किस ब्रांड से ले। सो नाउ यू नो रॉयल टच में काफ़ी ऑप्शंस है, दिस इज AG1164, EG1166। लेकिन ये लेदर फिनिश मैंने देखा है काफ़ी लोग प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं, एंड दिस लेदर फिनिश जो होता है काफ़ी सालों से चल रहा है, इट लुक्स रियल लेदर बाय द वे। ये दोनों फिनिश जो है ये लगेगा लगने के बाद कि ओरिजिनल लेदर है, बट दीज आर जस्ट लैमिनेट्स एंड दीज आर लेदर फिनिश लैमिनेट्स, एंड वट आई रियली लाइक अबाउट दम इज़ अगर आप बहुत पास से नहीं देख रहे हो ना, यू कॉन्ट टेल द डिफरेंस कि ये ओरिजिनल लेदर है या नहीं, इवन विद दिस एक्चुअली लेदर की जैसे दो फिनिशेस आते हैं, यहाँ पे भी दोनों फिनिश के साथ डिज़ाइन बनाया गया है। अगेन जूट फिनिश लैमिनेट गाइस, इट रियली लुक्स एंड फील्स लाइक रियल जूट, इसका टेक्सचर भी बहुत बहुत अच्छा है, इट इज़ जो मिट्टी का कलर है वो है, एंड दिस इज़ अ बेज टोन, ये भी बहुत प्रिटी है, इसमें भी और कलर ऑप्शन है, दे हैव इन ब्लू। सो ये हो गए हमारे ये वाले कलेक्शन, लास्ट हम लोग डिजिटल प्रिंट्स HD कलेक्शन देखेंगे। हम लोग लास्ट में आ गए हैं HD कलेक्शन में, नाउ दिस आई यूज़ आई थिंक सबसे कम, बट इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे फॉर्म है, जैसे ये वाइट वाला, आई स्टार्ट विद दिस, दिस इज़ वेरी प्रिटी। अगर आप इटालियन मार्बल के साथ नहीं जाना चाहते, काउंटर टॉप्स एंड उसकी जगह आप ये लगा सकते हैं, डोंट यूज़ इट इन किचन, बट लेकिन कोई स्टडी यूनिट है, टीवी यूनिट है, साइड टेबल्स है, उसके जो टॉप है उसके लिए ये परफेक्ट हो सकता है। सो अगर किड्स बेडरूम, बॉयज़ बेडरूम, इवन इफ़ यू लाइक ब्लू, बहुत लोगों को ब्लू बहुत पसंद होता है, तो उनके लिए वार्डरोब के लिए ये लैमिनेट परफेक्ट है। ओके, दिस एक्चुअली लुक्स एंड फील्स लाइक कारपेट, ये बहुत बहुत, इवन इसको फ्रेम करके कोई पैनलिंग हो तो वहाँ पे भी बहुत अच्छा लगेगा। अब बहुत ह्यूज एक कोई वॉल है आपका, वहाँ पे डिज़ाइन करना है, यू डोंट वांट टू यूज़ ओरिजिनल कारपेट, सो यू कैन यूज़ दिस फ्रेम, इसको डायरेक्ट फ्रेम करके अगर आप पिक्चर फ्रेम में लगा के जस्ट यू वांट टू यूज़ दिस एज एन आर्ट पीस, वो भी बहुत अच्छा लगता है। एंड इसमें भी दो ऑप्शंस हैं, आई विल गो विद दिस वन इफ आई हैव टू सिलेक्ट,
फॉर गर्ल्स रूम दिस कैन बी अ वेरी गुड ऑप्शन. HD 7033 इवन आई फील लाइक फ्लावर्स आर नाउ जेंडर न्यूट्रल, तो किसी के रूम पे भी लग सकता है. दिस इज़ वेरी प्रिटी. छोटे बच्चों के लिए बहुत अच्छा लगेगा वार्डरोब के लिए. आई रियली लाइक दिस वन ऑल्सो बिकॉज ऑफ द पैटर्न. एंड मुझे लगता है ट्रेडिशनल प्रोजेक्ट में बहुत स्मार्टली अगर आप यूज़ करें तो दिस कैन बी अ गुड लैमिनेट, बट यू हैव टू यूज़ इट नाइसली एंड स्मार्टली. सो आई थिंक इस वीडियो से आपको पता चला है कि कैसे आप एक जगह पे जाए, कैसे लैमिनेट सेलेक्ट करें, कौन से लैमिनेट के आप देखें, एंड यू नो विच विल बी द राइट लैमिनेट फॉर यू. एंड आई कुड हैव यू नो सेलेक्टेड एनी ब्रांड, उनके साथ मैं कोलैबोरेट कर सकती थी, लेकिन रॉयल टच एक ऐसी ब्रांड है जिसके साथ मैं बहुत सालों से पर्सनली कनेक्टेड हूँ और मैं इनका प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ. कभी भी मेरे पास ऐसा नहीं हुआ है कि कोई भी कंप्लेंट्स आए हैं. अगर आते भी हैं तो वो इमीडिएटली सॉल्व आउट हो जाता है, जो एक प्रीमियम ब्रांड की क्वालिटी होनी चाहिए कि आफ्टर सर्विस हमें मिलना चाहिए. सो दैट वी आर गेटिंग विथ रॉयल टच, एंड आई एम सो हैप्पी दैट फाइनली हम लोगों ने कोलैबोरेशन किया. हम लोग बता रहे हैं आपको, एंड आप भी एज अ व्यूअर आपको भी इन्फॉर्मेशन गई, यू नो अबाउट दिस ब्रांड नाउ, आप भी एक्सप्लोर कर सकते हैं. आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो. आप बताना, लेट मी नो अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं. एवरी सिटी वी हैव आवर शोरूम गैलरी. यस यस, एंड पीपल आर ऑलवेज यूजिंग दिस वेरी वेल. या इट्स बीन इयर्स राइट, 40 साल से लोग यूज कर रहे हैं. एंड तभी आई थिंक वो जो अपना एक्सपीरियंस था ना, तब लोग लैमिनेट इतने यूज भी नहीं करते थे, लेकिन नाउअडेज पीपल आर यूजिंग. हर कोई चेंज हो गया है. 80% विनियर यूसेज हो रहा था. Nowadays 20% people using only veneer and 80% laminates. Yes, exactly. तभी veneer ज़्यादा था और laminate लोगों को लगता था कि ये चलेगा या नहीं चलेगा. All the veneer sets are available in the laminates now, so people don't have to go for the veneer also. Right. So I hope you enjoyed this video, guys. If you have any question related laminate, be it from the brand or anything else, मुझे comment section में बताना. And see you on my next video. तब तक के लिए bye. Love you.